एक जहन बना हुआ है कि जितना हमारे पास पैसा होगा, दौलत होगी, उतना हम खुशी की जिंदगी गुजारेंगे। एक जहन ये बना हुआ है कि हर आदमी आजाद है, जो मर्जी करे। इसके मुकाबले में अल्लाह ये जहन बनाता है कि खुशियां पैसे से नहीं आती। अदहक व अबका, अल्लाह जिसे चाहता है उसे खुशी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे दुख देता है, गम देता है। दूसरी बात के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम क्या समझते हो कि तुम ऐसे ही बेकार हो, आज़ाद हो, जो मर्जी करो। हाँ, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसे थोड़े थोड़े ठोकरें आएंगी। अयहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा, क्या ख्याल है तुम्हें, कोई नहीं पूछेगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो इन दोनों जहनों की नफी कुरान करता है कि हम आजाद हैं, जो मर्जी करें। अच्छा भाई, हम दुनिया में आए अपनी मर्जी से आए, आजादी कहाँ है? अब हम मरना नहीं चाहते, कोई मौत से बच के दिखाए। ऐनमा तकूनु युद्रिककुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, जाओ जाओ भागो, सारी दुनिया को पहरेदार बना दो और मौत से बच के दिखा दो। हसली का फरमान है, अल मौत लैस मिनहुल फौत, आज तक कोई मौत से बचा हो तो मुझे दिखा दो। इन अकमतुम लहु अखदकुम, इन फररतुम मिनहु अदरककुम, इसका मुकाबला करोगे तो गिरना तुम्हारा ही मुकद्दर है, इससे भागोगे तो पकड़े जाना तुम्हारा ही मुकद्दर है। तो आज़ाद गाएं, हम बुढ़ापा चाहते हैं, बूढ़े हो जाएं, दांत टूट जाए, आंखों पे, जिनके आंखों पे अभी ऐनक लगी हुई है ये चाहते हैं कि इनको ऐनक लगे, जिन जो गंजे हो गए वो चाहते हैं कि वो गंजे हो जाते, जो बुढ़ापा आया तो वो चाहते हैं कि हम बूढ़े हो जाते। अब आप देखो तो सही कि हम किस तरह जकड़े हुए। ये जहान आजादी के लिए डिजाइन नहीं किया गया। जो यहां इस जहन से चलेगा हमेशा दुखी रहेगा और औरों को भी बर्बाद करेगा। ये दो बड़े गलत जहन है, पैसे से सब कुछ होता है, पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, पौंड बनाओ, माल बनाओ, और हम आजाद हैं, जो मर्जी करें, मुझे कौन है पूछने वाला, यहां तो कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आजाद हो, तुम्हें कोई अगर पूछ नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं तुम आजाद हो। तुम पर एक आंख लगी हुई है जो नींद से पाक है, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, एक अल्लाह है जो नींद से पाक है, जो ऊंघ से पाक है। व इन अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, तुम्हारे दोनों कंधों पर फरिश्ते बैठे हुए हैं, जो कुछ कर रहे हो लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। बला व रुसुलना लदैहिम यक्तुबून, तुम जो कुछ तुम करते हो फरिश्ते के कलम में आ रहा है, आ रहा आ रहा है। मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, ये मैं बोल रहा हूँ, इसका हर बोल फौरन जा रहा है मेरे अल्लाह के निज़ाम में, कंप्यूटर में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यहाँ से गाली दूँ इधर से सिस्टम चलेगा, उल्टे हाथ में कंप्यूटर है वो लिखेगा, यहाँ से दुआ दूँ राइट हाथ में कंप्यूटर, फरिश्ता किसी को नहीं समझ में आया तो कंप्यूटर तो सबको समझ में आएगा। भाई फरिश्ता क्या होता है, यूं समझो एक जीता जागता कंप्यूटर है मेरे अल्लाह का, तुम यूं भी देखोगे तो वो लिखेगा, यूं देखोगे तो लिखेगा, तुम्हारी नजर क्यों उठी वो ये भी जानता है। आजादी कहाँ है?
बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, जवान औलाद मर रही है, आजाद है? आज शादी हुई है, कल मौत आ गई, आजादी? दुनिया की हर शय मौजूद है, खुशी कोई नहीं, तो लाओ खुशी लाओ। हर नेमत मौजूद है, खुशी कोई नहीं। बीमारी से लड़ सकते हैं, सरदर्द अपनी मर्जी से होता है, कोई चाहता है मैं मुस्तकिल सरदर्द का मरीज, अभी भी उसके साथ बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं मुझे सरदर्द रहे हर वक्त, कौन ये कर रहा है? तो कौन ये कहता मैं आजाद हूं? तुम हंसना चाहते हो, तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं, तुम रोना चाहते हो, तुम्हारी आंख साथ नहीं देती, तुम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए प्रोटेक्टर लगाते हो और तुम्हें ऊं उठा के जाके मिट्टी में डाल देते। तो इन दो गलत जहन से आज पूरी दुनिया में फसाद है। माल बनाओ, पैसा बनाओ, जैसे मर्जी आए, झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए, फ्रॉड के साथ आए, ड्रग्स बेच कर आए, माल बनाओ। एक आदमी ने हीरोइन बेची, कितने घर उजाड़ दिए, ये कभी खुश रह सकता है? एक ने कोकीन बेची, कितने नौजवान उजड़ गए, ये कभी खुश रह सकता है? चर्स बेच दी, अफीम, हमारे पाकिस्तान चर्फ, अफीम, जितनी नस्लें बर्बाद हो रही, इसके पीछे ये जेन है पैसा आना चाहिए, पैसा, पैसा कमाने के लिए हर कानून तोड़ दो, क्योंकि पैसे से काम बनता है। पैसा आ गया, अब मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, मुझे कौन रोकने वाला है? हा? कोई नहीं रोकेगा। फिर तुम मौत को भी रोक के दिखाओ, फिर तुम कब्र में जाने को रोक के दिखाओ, बुढ़ापे को रोक के दिखाओ, दांत हिलने शुरू हो गए इन्हें रोक के दिखाओ, नजर कमजोर हो रही इसे रोक के दिखाओ, सुनना कमजोर हो रहा है रोक के दिखाओ, भूख लगनी बंद हो गई रोक के दिखाओ, हाथ में स्टिक आ गई इसे रोक के दिखाओ, व्हीलचेयर पे आ गए इसे रोक के दिखाओ, मौत ने झटका दिया इसे रोक के दिखाओ, जिनके लिए कमाया था उन्होंने जाके कभी कब्र पे जाके देखा भी नहीं कि कौन है और कहां है, रोक के दिखाओ। आजादी कैसी, यहां तो आना ही कैद है, मैंने कब चाहा था मैं आऊं, और अब मैं कब चाहता हूं मैं मर जाऊं, पीछे लगी हुई हर सांस, इस एक सांस ने मुझे मौत के और करीब कर दिया है। दिन और रात तो लंबा पीरियड है, इस एक सांस ने भी मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली है, हर वक्त मेरी जिंदगी मुझसे छीन रही है, छीन रही है, मेरा वक्त मेरे हाथों से जा रहा है, 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 और हर वक्त टाइम का खतरनाक सफर मुझे तेजी से, अफला तरون الى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود। कब मेरे नबी ने फरमाया था, जब टाइम टाइम थ्योरी को जानता ही नहीं था, उस वक्त मेरा नबी आज की बात कर रहा है। ما ينطق عن الهوى इन हुआ इल्ला वहयुन युहा, के मेरे हबीब की जबान नहीं बोलती, मेरे हबीब की जबान पे अल्लाह बोलता है, अल्लाह बोलता है। वक्त का बनाने वाला, कायनात का बनाने वाला वो बोल रहा है। देखने में एक जबान हरकत कर रही है और खबर है कुरान की, ऊपर से निजाम चल रहा है। इस जहन ने भाइयों जिंदगियां तबाह कर दी। झूठ बोलो पैसा बचेगा, बचाओ, सच बोलने से पैसा बच दो, सच इसलिए नहीं बोल रहे कि सच बोलना इज्जत है, नहीं, इससे पैसा बच रहा है। जब झूठ बोलने का मौका है झूठ बोलो, जब धोखा देने का मौका है धोखा दो, अब इससे पैसा थोड़ा हो रहा है शराब बेचो। कितने मुसलमान है शराब की दुकानें खोल के बैठे हुए, कैसे उनकी नस्लें सुख पाएंगी? एक आदमी अपनी अच्छी गाड़ी बनाने के लिए और अपना अच्छा घर बनाने के लिए हजारों बच्चों को नशे पे लगा देता है, उनकी जिंदगियां तबाह कर देता है, ये कभी सुखी रह सकता है?
और अगर ये चार दिन मौज मेला कर भी लेगा तो क्या पीछे मौत नहीं, क्या आगे कब्र नहीं, क्या आगे हशर नहीं, क्या आगे अल्लाह के सामने खड़ा होना नहीं है, क्या ये दुनिया ऐसे ही चलेगी? नहीं नहीं नहीं, इस कायनात का एक खालिक है जिसका नाम अल्लाह है, मालिक है जिसका नाम अल्लाह है, इसका एक हुक्मरान है जिसका नाम अल्लाह है, एक हाकिम है जिसका नाम अल्लाह है, एक शहनशाह है जिसका नाम अल्लाह है, एक ज़बरदस्त ताकत है जिसका नाम अल्लाह है। मशरिक पर भी अल्लाह है और मगरिब पर भी अल्लाह है और शमाल जनूब पर भी अल्लाह है और आसमानों पर भी अल्लाह है और धरती पर भी अल्लाह है। अल्लाह की कसम, मेरा हाथ का यूँ हरकत करने पर भी मेरे अल्लाह का कब्ज़ा है, मेरी ज़बान के बोल पर मेरे अल्लाह का कब्ज़ा है, मेरे यहाँ बैठने पर मेरे अल्लाह का कब्ज़ा है, तुम्हारे खिंच के आने पर अल्लाह का कब्ज़ा है, आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, ज़मीन का फ़र्श मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, हवाओं के झोंके मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, सर्दी का मौसम मेरे अल्लाह का इरादा है, गर्मी की तपिश मेरे अल्लाह का इरादा है, बादलों से पानी का गिरना मेरे अल्लाह का इरादा है, बर्फ़ का गिरना मेरे अल्लाह की बादशाही है, और तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, बादलों की गरज, मौसमों का तब्दील होना, दरख्तों के फल, फलों के जायके, जायकों में खुशबू, फलों में मिठास, फलों के ऊपर कवर छिलके, उनके रंग, उनके जायके, और थनों के अंदर दूध, और हिरन के नाफे में मुश्क, और सांप के मुंह में जहर, और मक्खी के मुंह में शहद, ये सब मेरे अल्लाह का इरादा है। आजाद हैं? मौत से लड़ के दिखाओ। आजाद हो, जवानी को रोक के दिखाओ। आजाद हो, बीमारी को रोक के दिखाओ। आजाद हो, गम को रोक के दिखाओ। क्यों लोग शराब में डूबते हैं कि अंदर की वीरानियां उनको नशों में ले जाती हैं, उन वीरानियों को शराब से दूर करते हैं। अरे अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो। मेरे अल्लाह का ऐलान है, नहीं नहीं, पैसे से इत्मीनान नहीं मिलता। एक जन ये कि हम अपनी मर्जी पर चलेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, अल्लाह की कसम जितना अपनी मर्जी पर चलोगे उतना तबाह होते जाओगे। मेरे अल्लाह का ऐलान, अला 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 अला, सायरन बजता है तो हर आदमी के कान खड़े होते हैं कि क्या मसला हुआ, सायरन है, सायरन है। तो ये अरबी में अला एक सायरन है, जैसे सायरन की आवाज़ आती है तो एकदम भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, अला 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 अला, सायरन बज रहा है, सायरन बज रहा है, सुनो 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 सुनो, क्या अजब बात, अला। बर्मिंघम वालों सुनो, अला। नौजवानों सुनो, अला। सारी दुनिया में बसने वालों, चाहे अल्लाह को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, सुनो, क्या, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना ऐसे ही सुलगते रहोगे, सिसकते रहोगे, तड़पते रहोगे। अल्लाह को पाओगे तो सब कुछ पाओगे, अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। अल्लाह